Hello everyone, welcome back to our channel Travel with Rithi and Ankush. This video will be about Shenzhen visa. तो आप लोग Shenzhen visa कैसे apply कर सकते हैं, and most importantly Shenzhen visa वैसे है क्या. तो ये पूरा जो details है हम लोग इस video में discuss करेंगे. तो first we'll cover कि Shenzhen visa क्या है, secondly आप लोग कैसे Shenzhen visa apply कर सकते हो, thirdly ये Shenzhen visa apply करने में कौन सा documents आप लोगों को लगेगा. सो सारा details हम लोग discuss करेंगे और कुछ कुछ documents आपको आपके साथ share भी करेंगे. fourthly ये बहुत important है कि आप लोग Shenzhen visa apply कर सकते हो internet में जो जो videos है, that is about आप लोग खुद कैसे apply कर सकते हो, but आप लोग का family members, आप लोग के children के अगर dependents कोई भी है तो उन लोगों के लिए कौन सा documents चाहिए, फाइनेंशियल मीन्स का कौन सा डॉक्यूमेंट्स चाहिए, सब हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे. एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ये वीडियो मतलब Shenzhen वीसा जब अप्लाई करेंगे, व्हाट इज़ द राइट टाइम टू अप्लाई Shenzhen वीसा, तो आपका ट्रिप से कितने दिन पहले आप Shenzhen वीसा अप्लाई कर सके, सारा डिटेल्स हम लोग इस वीडियो में शेयर करेंगे. सो इट इज़ गोइंग टू बी अ कम्प्रीहेंसिव वीडियो, वीडियो पूरा एंड तक देखना. और अगर इस वीडियो के बाद भी आपका कोई भी क्वेरी हम लोगों को कमेंट्स में बताना, हम लोग जरूर रिस्पॉन्ड करेंगे. तो शुरू करते हैं. तो दोस्तों अभी डिस्कस करते हैं कि ये Shenzhen वीसा है क्या. तो Shenzhen वीसा एक बहुत ही पावरफुल वीसा है. इट्स अ वीसा विद द हेल्प ऑफ विच यू कैन ट्रैवल टू एनी ऑफ द 27 कंट्रीज इन द यूरोपियन यूनियन एक वीसा के हेल्प से. तो मैं एग्जांपल देना चाहता हूँ, अगर आपके पास फ्रांस का Shenzhen वीसा है तो उस वीसा से आप लोग कोई भी 27 कंट्रीज यूरोपियन यूनियन के अंदर आप लोग ट्रैवल कर सकते हो. आप लोग फ्रांस से स्विट्जरलैंड जा सकते हैं, हम लोग जैसे स्विट्जरलैंड इटली गए थे, फिर तो आप लोग किसी भी यूरोपियन यूनियन के कंट्रीज में आप लोग सिंगल वीसा से जा सकते हो. बट यहाँ पे एक कैच है, अगर आपका सिंगल एंट्री वीसा है तो आप यूरोपियन यूनियन के अंदर जा सकते हो, बट अगर आप यूरोपियन यूनियन के अंदर से बाहर एक बार चले गए तो फिर से आप लोग अंदर नहीं आ पाओगे. तो उसके लिए मल्टी एंट्री वीसा चाहिए. कुछ कुछ कंट्रीज जैसे यूके, यूके इज़ नॉट इंक्लूडेड इन द Shenzhen. बाकी आप लोग इंटरनेट से चेक कर सकते हो कौन कौन सा कंट्री यूके अंदर है. तो एक बार आप लोग सिंगल एंट्री और सिंगल एग्जिट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ अ सिंगल एंट्री वीसा. और अगर आपके पास मल्टी एंट्री वीसा है तो मल्टी एंट्री वीसा से आप लोग बार बार यूरोपियन यूनियन के अंदर कोई भी कंट्रीज में जा सकते हो, बार बार एग्जिट भी कर सकते हो. तो अभी डिस्कस करते हैं कि Shenzhen वीसा कितने टाइप्स के होते हैं. तो अगर आप लोग यूरोप जाना चाहते हो तो द रीजन्स आर डिफरेंट. तो अगर आप टूरिस्ट हो तो टूरिज्म के लिए जाना चाहते हो तो उनके लिए टूरिस्ट वीसा चाहिए. अगर आप बिजनेस के लिए जा रहे हो, अगर ऑफिस के काम से जा रहे हो तो आपके लिए बिजनेस वीसा चाहिए. और अगर आप कोई पढ़ाई करने हायर स्टडीज़ के लिए जा रहे हो तो जो बोलते हैं कि स्टडी वीसा चाहिए. तो यहाँ पे ये वीडियो में हम लोग मेनली डिस्कस करेंगे कि आप लोग कैसे टूरिस्ट वीसा अप्लाई कर सकते हो इंडिया से. तो प्रोसेस उतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बट बहुत सारा डॉक्यूमेंट्स आप लोग को लगता है. तो ये डॉक्यूमेंट्स अरेंज करने में थोड़ा टाइम लगता है और फिर अपॉइंटमेंट्स भी शेड्यूल करना पड़ता है. तो सारा स्टेप्स हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कैसे आप लोग ये सब कर सकते हो सीमलेसली विदाउट हैविंग द नीड टू यू नो टेक द हेल्प ऑफ अ वीसा एजेंट. तो आप लोग खुद ही कर पाओगे अगर आप लोग ये वीडियो पूरा देख लिए. तो प्रोसेस बहुत सिंपल है, हम लोग स्टेप बाई स्टेप सब एक्सप्लेन कर देंगे. तो अभी डिस्कस करते हैं कि आप लोग जो यूरोप ट्रैवल करना चाहते हो तो प्लान कर रहे हो ट्रिप का, तो फर्स्ट स्टेप क्या है. एंड द फर्स्ट स्टेप इज ऑल्सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप. आपको एक आइटिनरी बनाना है, आपको एक डे वाइज डिटेल्ड आइटिनरी बनाना है जिससे आप लोग मतलब प्लान कर पाओगे और प्लान करोगे कि किस दिन आप लोग कहाँ कहाँ ट्रैवल करोगे. तो बेस्ड ऑन दैट आपको यू नो यू हैव टू फिगर आउट कि आप लोग कौन सा कंट्री से Shenzhen वीसा अप्लाई करोगे. तो दोस्तों अभी नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि कौन सा कंट्री से आप लोग वीसा अप्लाई करें. तो 27 कंट्रीज है, बट कौन सा अप्लाई करना है जिस कंट्री से, तो दैट विल डिपेंड ऑन योर आइटिनरी. तो जिस कंट्री में आप लोग ज़्यादा टाइम के लिए स्टे करोगे आपके पूरे ट्रिप के अंदर, तो उसी कंट्री से आपको ये वीसा अप्लाई करना है Shenzhen वीसा. और दूसरा भी है कि पोर्ट ऑफ एंट्री और पोर्ट ऑफ एग्जिट. तो जिस कंट्री में आप फर्स्ट ट्रैवल कर रहे हो उस कंट्री से भी आप लोग Shenzhen वीसा अप्लाई कर सकते हो. बट हमारा सजेशन है जिस कंट्री में आप सबसे ज़्यादा दिन स्टे करना, तो बी ऑन द सेफ साइड, उसी कंट्री से आप लोग वीसा अप्लाई करना उसी कंट्री के एम्बेसी से. तो मैं एग्जांपल देता हूँ कि हमारा जो ट्रैवल आइटिनरी था, हम लोग 7 दिन फ्रांस में थे और बाकी स्विट्जरलैंड में 3 दिन और इटली में 3-4 दिन. तो इसलिए हम लोग ज़्यादातर मैक्सिमम डेज वी स्टेड इन फ्रांस. तो इसीलिए हम लोग अकॉर्डिंग टू द रूल्स हमको फ्रांस एम्बेसी से ही अपना Shenzhen वीसा अप्लाई करना है. तो हम लोग Shenzhen वीसा फ्रांस एम्बेसी से ही अप्लाई करेंगे. तो अगर आपका आइटिनरी में है कि आप ज़्यादातर दिन इटली में रह रहे हो तो आप लोग इटालियन एम्बेसी से अप्लाई कर सकते हो. अगर आप लोग
ट्रैवल कर रहे हो, ज्यादातर दिन आप लोग स्विट्जरलैंड में ट्रैवल कर रहे हो, तो आप लोग स्विट्जरलैंड एम्बेसी से भी कर सकते हो। तो ये आपको डिसाइड करना है कि आपको आइटिनरी के ऊपर कि कितने दिन, मैक्सिमम नंबर ऑफ डेज आप कौन सा कंट्रीज में स्टे कर रहे हो, तो बेस्ड ऑन दैट क्वेश्चन देन वीसा अप्लाई करना है। तो अभी नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे कि आप लोग शेंजन वीसा अप्लाई कैसे करेंगे। तो फर्स्ट स्टेप्स हम लोग स्क्रीन शेयर करके पूरा प्रोसेस एक्सप्लेन कर देंगे। तो अभी स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि फ्रांस या कोई भी कंट्री का वीजा आप लोग कैसे अप्लाई कर सकते हो। द फर्स्ट स्टेप इज टू फिल द वीजा एप्लीकेशन फॉर्म। सो हम लोग फ्रांस के लिए वीजा अप्लाई किए थे शेंजन वीजा, तो मैं फ्रांस का यहाँ पे दिखाऊंगा, बट स्विट्जरलैंड या कोई भी कंट्री, शेंजन कंट्री का प्रोसेस एकदम 99% सिमिलर है। ऑल द फील्ड्स आर ऑल्सो सेम, तो आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगा। तो पहले आपको यहाँ पे सर्च करना होगा अप्लाई फॉर फ्रांस शेंजन वीजा। तो यहाँ पे आप लोग सर्च करना, तो ये वाला ऑनलाइन एप्लीकेशन है, यहाँ पे क्लिक करना होगा। लिंक मैं शेयर कर दूंगा। तो यहाँ पे ये वाला प्रोसेस है, तो यहाँ पे आप लोगों को क्लिक करना होगा स्टार्ट योर वीजा एप्लीकेशन। तो यहाँ पे आपको एक अकाउंट बनाना होगा, तो ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये आप लोग फॉर्म, वीजा जो फॉर्म है वो एक्सेस कर पाओगे ओनली आफ्टर क्रिएटिंग एन अकाउंट। तो यहाँ पे आप लोगों को एक अकाउंट बनाना होगा। तो यहाँ पे न्यू यूजर, यहाँ पे क्रिएट एन अकाउंट में क्लिक करना। तो यहाँ पे आप लोगों को लास्ट नेम देना होगा, तो यहाँ पे मैं फिलअप करके दिखा देता हूँ, दे सकते हो यहाँ पे। और यहाँ पे आप लोग कोई भी ईमेल आईडी आप लोग दे सकते हो। तो यहाँ पे फिर से वो रिपीट कन्फर्म करना होगा वो ईमेल आईडी। उसके बाद ये वाला लैंग्वेज जो है फ्रांस, ये आप लोग चेंज करके इंग्लिश कर देना। यहाँ पे पासवर्ड देना होगा, पासवर्ड का जो रूल है वो फॉलो करना, नहीं तो एरर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देके आप लोगों को जो करना है वो यहाँ पे कैप्चा भर के क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करना। तो आप जब क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करोगे तो आपका यहाँ पे दिखाएगा स्क्रीन पे कि एक ईमेल आया है वेरिफिकेशन के लिए। तो यहाँ पे ईमेल ऐसा दिखेगा, ऐसा एक ईमेल आएगा आपको। तो यहाँ पे आपको कंफर्म ईमेल पे क्लिक करना है। जैसे ही आप कंफर्म ईमेल पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप लोग खुद से वो वीजा पोर्टल में लॉगिन हो जाओगे। तो आफ्टर लॉगिंग इन द स्क्रीन वुड लुक लाइक दिस। ऐसे ऐसे सो लॉग इन करने के बाद, मैं यहाँ पे लॉग्ड इन हूँ, तो लॉग इन के बाद स्क्रीन ऐसा दिखेगा। तो ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे कैसे आप लोग मल्टीपल एप्लीकेशन अंडर सिमिलर ग्रुप ऑफ एप्लीकेशन कर सकते हो। ये स्टेप बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग पूरा देखना, क्योंकि अगर आपका फैमिली के लिए वीजा अप्लाई कर रहे हो तो ये प्रोसेस करना होगा, क्योंकि एक ही लॉगिन के अंदर मल्टीपल एप्लीकेशन होगा। तो ये प्रोसेस ध्यान से देखना, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा कैसे आप लोग आपके या आपके फैमिली मेम्बर्स और डिपेंडेंट्स जो भी है उनके वीजा कैसे अप्लाई कर सकते हो, उनके फॉर्म कैसे क्रिएट कर सकते हो। तो यहाँ पे आप लोगों को क्लिक करना होगा क्रिएट अ न्यू एप्लीकेशन इन अ ग्रुप ऑफ एप्लीकेशन। तो आफ्टर क्लिकिंग आपका जो फॉर्म है वो ऐसे दिखाएगा। तो करंट नेशनलिटी आपका इंडिया, मैं सिलेक्ट करता हूँ इंडिया। नेक्स्ट है डू यू जॉइन और ट्रैवल विद अ फैमिली मेंबर फ्रॉम अ न्यू कंट्री। तो मैं कोई फैमिली मेंबर के साथ ट्रैवल नहीं कर रहा हूँ, तो मैं नो कर देता हूँ यहाँ पे। इट विल डिपेंड ऑन आप क्या कर रहे हो। ठीक है, अगर आप कोई यू मेंबर के साथ ट्रैवल कर रहे हो तो इसको येस कर देना। नेक्स्ट इज प्लेस ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमने कोलकाता से अप्लाई किया था, तो हम लोग यहाँ पे इंडिया और कोलकाता देंगे। तो यहाँ पे इंडिया और सिटी में कोलकाता देता हूँ। अगर आप लोग यहाँ पे कोई अलग से बॉम्बे या चेन्नई कहीं से भी कर रहे हो तो वो वाला सिलेक्ट करना। वीसा टाइप रिक्वेस्टेड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आप शॉर्ट स्टे ही देना, लेस देन 90 डेज, क्योंकि टूरिस्ट वीजा के लिए शॉर्ट स्टे ही होता है। तो मेन डेस्टिनेशन ऑफ स्टे, तो यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप फ्रांस वीजा अप्लाई कर रहे हो तो यहाँ पे ये सब कंट्रीज आर, यहाँ पे जो है यहाँ पे कंट्री, ये सब फ्रांस का टेरिटोरी है। तो आपको यहाँ पे फ्रांस ही देना होगा, ये सब भी कंट्रीज फ्रांस के अंडर है, टेरिटरी ऑफ फ्रांस, बट यहाँ पे फ्रांस सिलेक्ट करना। आफ्टर दैट इशूइंग अथॉरिटी ऑफ ट्रैवल डॉक्यूमेंट, तो ये यहाँ पे इंडिया होगा, आपका ट्रैवल डॉक्यूमेंट होगा, आपका ऑर्डिनरी पासपोर्ट। ठीक है, डिप्लोमेटिक ऑफिशियल ये सब मत देना, डिप्लोमेटिक ऑफिशियल पासपोर्ट ये अगर आप कोई सिविल सर्वेंट हो या कोई मिनिस्टर हो तो उनके लिए होता है ये सब। तो यहाँ पे ऑर्डिनरी पासपोर्ट देना, पासपोर्ट नंबर यहाँ पे एंटर करना होगा। ठीक है, तो मैं कोई भी नंबर देता हूँ। और यहाँ पे डेट ऑफ इश्यू देना होगा और डेट ऑफ एक्सपायरी डेट देना होगा। तो डेट ऑफ इश्यू मैं करता हूँ सितंबर 4th और एक्सपायरी डेट 2032 कर देता हूँ। आफ्टर दैट आपको यहाँ पे फिल अप करना है व्हाई आर यू मेकिंग दिस ट्रिप। ठीक है,
तो यहाँ पे आप लोग देना डिपेंडिंग ऑन आप क्यों जा रहे हो। तो मेरा यहाँ पे टूरिज्म था, मैंने टूरिज्म दिया, और यहाँ पे एडिशनल इन्फॉर्मेशन अबाउट योर स्टे प्रोजेक्ट। तो यहाँ पे आप लोग अपना आइटिनरी कॉपी पेस्ट कर सकते हो, और नहीं तो आप यहाँ पे लिख सकते हो आई एम ट्रैवलिंग फॉर टूरिज्म, ये सब दे सकते हो। इफ़ यू वांट यू कैन आल्सो गिव योर डिटेल्ड आइटिनरी हियर, बट वो इम्पोर्टेंट नहीं है, कवर लेटर में ऑलरेडी इंक्लूडेड होगा। तो यहाँ पे आई एम ट्रैवलिंग फॉर टूरिज्म ऐसे ही देता हूँ, और ये आपका डिस्क्रिप्शन है, आप क्या देना चाहते हो। आप अगर आइटिनरी देना चाहते हो तो भी दे सकते हो, नहीं तो ऐसे। सो यहाँ पे आप वेरीफाई के पे क्लिक करना होगा। यहाँ पे दिखाई देगा सिंस आई एम फ्रॉम इंडिया, तो यहाँ पे आई विल बी नीडिंग अ वीजा टू ट्रैवल। तो यहाँ पे दिखा रहा है कि यू विल नीड अ वीजा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको नेक्स्ट क्लिक करना होगा। तो यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे ट्रैवल डॉक्यूमेंट नंबर, दिस इज योर पासपोर्ट नंबर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है दोस्तों, अगर आपका ये डॉक्यूमेंट नंबर एक बार कंफर्म कर दिया तो आप लोग ये चेंज कर नहीं पाओगे। तो यहाँ पे आप लोग देखना, देख कर यस करना, ठीक है। तो अभी यहाँ पे आप लोगों को देना होगा आपका यहाँ पे मेल, मेरा मैरिटल स्टेटस आपका यहाँ पे दे सकते हो, लास्ट नेम, लास्ट नेम यहाँ पे लास्ट नेम में CH देता हूँ, ऑब्लिगेटरी फर्स्ट नेम यहाँ पे फर्स्ट नेम देना होगा आपको, देन डेट ऑफ बर्थ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डेट ऑफ बर्थ भी आपको आप लोग देना है यहाँ पे, ठीक है। प्लेस ऑफ बर्थ भी देना होगा, कंट्री और टेरिटरी ऑफ बर्थ, ये इंडिया है मेरा, तो इंडिया देना होगा यहाँ पे। तो नेशनलिटी इंडिया, तो नेशनल आइडेंटिटी नंबर यहाँ पे आप लोग आपका आधार नंबर दे सकते हो, ठीक है। नेशनलिटी एट बर्थ, किसी का नेशनलिटी चेंज हो जाता है तो यहाँ पे तो हम लोग का इंडिया ही होगा, तो इंडिया देता हूँ, बट डिपेंड्स ऑन द पर्सन, अदर नेशनलिटीज नहीं है तो यहाँ पे कुछ देता नहीं हूँ, ये ब्लैंक ही रहेगा। एड्रेस आपका जरूरी है देना, ठीक है। पोस्ट सिटी, सिटी देना, फिर आपका कंट्री, यहाँ पे इंडिया सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है। इसके बाद ईमेल एड्रेस देना होगा जहाँ से आप लोग को कांटेक्ट कर पाएगा एम्बेसी, इफ़ दे वांट टू रीच आउट टू यू, तो यहाँ पे ईमेल एड्रेस देना। आफ्टर दैट डू यू लीव इन अ कंट्री अदर देन द कंट्री ऑफ योर करेंट नेशनलिटी, ये नो होगा मेरा। आर यू ज्वाइनिंग ट्रैवलिंग विद फ्रेंच फैमिली मेम्बर, ये भी नो होगा। और डू यू ज्वाइन और ट्रैवल विद अ फैमिली मेम्बर फ्रॉम एन EU नेशन, तो यहाँ पे मेरा भी नो होगा। यहाँ पे करेंट जॉब, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका जॉब क्या है, आप क्या करते हो, तो ये वाला सिलेक्ट करके देना। अगर आप फैशन में हो, जर्नलिस्ट, लीगल प्रोफेशन जो भी है आपका, तो ये वाला देना हो। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे इंजीनियर देता हूँ, ठीक है। आप लोग कोई भी दे सकते हो, आपका सेक्टर देना होगा, सेक्टर में यहाँ पे IT देता हूँ, सेक्टर यहाँ पे आपको देखना होगा विच मैचेस, एग्जैक्ट मैच तो नहीं होगा बट जो क्लोज मैच हो रहा है वो इन्फॉर्मेशन आप दे देना। इन्फॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन यहाँ पे देता हूँ, नेम ऑफ एम्प्लॉयर, तो आपका जो ऑफिस और आपका जो एम्प्लॉयर है, एम्प्लॉयर का नाम यहाँ पे देना होगा, ABC लिमिटेड। आफ्टर दैट एड्रेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन वेर यूर वर्किंग, तो यहाँ पे वो भी देना होगा। आफ्टर दैट इज पोस्टल कोड, सिटी एंड कंट्री, कंट्री देना होगा, देन यू हैव टू फिल द टेलीफोन नंबर, ईमेल एड्रेस दैट कैन बी यूज टू कॉन्टैक्ट योर एम्प्लॉयर, तो ये भी आप दे सकते हो, बट ये मैंडेटरी नहीं है। स्टार्स जहाँ पे है, जिन जिन फील्ड्स के साइड में स्टार है, वो सब फील्ड्स मैंडेटरी है। तो यहाँ पे मैं नेक्स्ट करता हूँ। तो ये प्रीवियस वीसा का डिटेल्स है, ये इम्पोर्टेंट है, हैव यू रिसीव्ड अ शेंजन वीसा विद इन द लास्ट 59 मंथ्स। तो यहाँ पे मेरा तो पहले जब किया था नो था, और फिंगरप्रिंट्स भी नहीं हुआ था, नो है। तो अगर आप सेकंड टाइम अप्लाई कर रहे हो तो आप ये यस कर देना। तो यहाँ पे वैलिड फ्रॉम एंड वैलिड टू, जो लास्ट टाइम जो आपका वीज़ा था, तो वो वीज़ा का वैलिडिटी पीरियड जो है वो वैलिड फ्रॉम एंड वैलिड टू, वो डिटेल्स देना। और ये फिंगरप्रिंट, जब आप वीज़ा अप्लाई किए थे तो आपका फिंगरप्रिंट्स भी कैप्चर होता है, तो
यहाँ पे वो डिटेल्स भी देना, तो ये सब डिटेल्स आपको मिल जाता है आफ्टर यू गेट योर फिंगरप्रिंट्स। तो डेट ऑफ द फिंगरप्रिंट और नंबर ऑफ लास्ट बायोमेट्रिक वीसा, ये वीसा नंबर होता है यहाँ पे शेंजन वीसा पे, ये डिटेल्स रहता है। तो अगर आपने ये सेकेंड टाइम अप्लाई कर रहे हो तो आप यहाँ पे दे सकते हो, नहीं तो आप ये फर्स्ट टाइम कर रहे हो शेंजन वीसा तो ये नो रहेगा। ठीक है, तो मैं नेक्स्ट करता हूँ यहाँ पे। आफ्टर दैट ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फील्ड है, डिटेल्स ऑफ योर स्टे। ठीक है, ये आपका वीसा जो एक्सेप्ट होगा या रिजेक्ट होगा दैट विल डिपेंड ऑन यहाँ पे कैसे आप लोग सही से इंफॉर्मेशन फिल आउट कर रहे हो। तो यहाँ पे प्लान डेट ऑफ अराइवल देना होगा, तो मैं देता हूँ 1 नवंबर, 1 नवंबर, डिपर्चर मैं देता हूँ 15 नवंबर। प्लान ड्यूरेशन ऑफ स्टे यहाँ पे 14 डेज देता हूँ मैं। नंबर ऑफ एंट्रीज रिक्वेस्टेड यहाँ पे सिंगल ही देता हूँ क्योंकि मल्टीपल एंट्रीज होता है, अगर आप शेंजेन रीजन एग्जिट करके फिर एंटर करना चाहते हो तो मल्टीपल एंट्रीज रहता है, नहीं तो सिंगल एंट्री होगा यहाँ पे। तो नंबर ऑफ डेज प्लान टू स्टे इन फ्रांस इन द कमिंग ईयर, तो अगर आप नेक्स्ट ईयर भी प्लान करना चाहते हो और तो यू कैन इंडिकेट द नंबर ऑफ डेज दैट यू आर प्लानिंग टू मेक इन फ्रांस फॉर द कमिंग ईयर। तो यहाँ पे मैं 15 डेज लिख देता हूँ। दिस इज द फ्यूचर प्लानिंग, फ्यूचर में भी अगर आप ट्रैवल करना चाहते हो वो भी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। अदर स्टे प्रोजेक्ट रिमाइंडर, प्रोजेक्ट इज टूरिज्म एंड टूरिज्म, अदर स्टे प्रोजेक्ट अगर आपका कोई अदर रीजन हो तो आप दे सकते हो, तो यहाँ पे टूरिज्म ही है तो मैं टूरिज्म देता हूँ। तो मैं नेक्स्ट करता हूँ अभी। नेक्स्ट इज होस्टिंग, हु विल होस्ट यू। तो यहाँ पे मैं तो किसी रिलेटिव के वहाँ विजिट करने नहीं गया था, मैं यहाँ पे टूरिज्म के लिए गया था। तो यहाँ पे होटल होगा, तो यहाँ पे होटल का नाम देना होगा। तो ये इम्पोर्टेंट है कि आप जब वीसा अप्लाई कर रहे हो तो होटल बुकिंग करना, तो बहुत सारा वेबसाइट है जहाँ से आप एक भी पैसा विदाउट पेइंग अ सिंगल मनी या यू कैन बुक एंड गेट अ कंफर्मेशन ऑफ योर बुकिंग। तो एक अलग से वीडियो में एक्सप्लेन कर दूंगा कैसे आप वो कर सकते हो। एबीसी होटल्स ये बहुत इम्पोर्टेंट है, तो मैं यहाँ पे होटल का एड्रेस जो है मैं यहाँ पे दे देता हूँ। देन पोस्ट कोड, तो पोस्ट कोड होटल का पोस्ट कोड दे सकते हो, ये मैंडेटरी नहीं है। तो यहाँ पे सिटी सिटी होगा आपका पेरिस, मैं दे देता हूँ। ठीक है, कंट्री फ्रांस होगा। टेलीफोन नंबर इफ यू वांट दे सकते हो, बट ये इंपॉर्टेंट है होटल का वेबसाइट में जाके यहाँ पे आपका होटल का ईमेल एड्रेस दे देना। तो ये ऐसा होता है कि contact@hotel.com, तो जो भी वेब होटल आप बुक करना चाहते हो तो होटल का वेबसाइट में आप जाके आफ्टर बुकिंग आप वहां से कॉन्टैक्ट नंबर कॉन्टैक्ट ईमेल होगा तो वो वाला ईमेल दे देना। तो फंडिंग ऑफ ट्रैवल कॉस्ट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप खुद के लिए कर रहे हो और आप खुद का ट्रिप खुद ही स्पॉन्सर कर रहे हो तो यहाँ पे माई सेल्फ दे देना, तो ये इम्पोर्टेंट है। एंड यहाँ पे ये वाला नेक्स्ट स्टेप है मीन्स ऑफ सब्सिस्टेंस, तो आप कैसे आपका ट्रैवल जो है तो वो कैसे आप लोग मैनेज कर रहे हो आपका ट्रैवल, तो यहाँ पे आप लोग वो डिटेल्स देना होगा। तो यहाँ पे मैं क्रेडिट कार्ड कैश और अदर, मेरे पास फोरेक्स कार्ड था मैं फोरेक्स अदर कर देता हूँ। और अगर आपका माई सेल्फ नहीं है, ये भी इम्पोर्टेंट है, अगर आप आपका डिपेंडेंट के लिए वीसा एप्लीकेशन फॉर्म कर रहे हो तो यहाँ पे आप यहाँ पे देना बाई अनदर गारंटर। ठीक है, तो गारंटर का नाम देना, अगर आपका फादर कर रहे हो तो आप देना आपका फादर का नाम, और जो भी फैमिली मेंबर आपका यहाँ कर रहे हो आपका हस्बैंड तो हस्बैंड का नाम देना, और यहाँ पे दे देना ऑल का एक्सपेंसेस, कैसे आप लोग कौन सा एक्सपेंस है स्पॉन्सर कर रहे हैं आपका गारंटर, तो आप दे देना ऑल एक्सपेंसेस। और यहाँ पे आप ऐसे कैश भी कर सकते हो, बट यहाँ पे ऑल एक्सपेंसेस कवर ड्यूरिंग स्टे कर सकते हो। तो यहाँ पे ये स्टेप बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर आप फैमिली मेंबर्स के लिए आप ये कर रहे हो फिलअप कर रहे हो फॉर्म, तो यहाँ पे आपको मीन्स ऑफ सब्सिस्टेंस में बाई अनदर गारंटर देना होगा। तो फिलहाल मैं यहाँ पे माई सेल्फ करके आगे बढ़ता हूँ। और अगर आपका होटल ऑलरेडी बुक्ड है तो यहाँ पे अकोमोडेशन प्रीपेड कर देना, क्रेडिट कार्ड कर दे करके नेक्स्ट करते हैं। तो नेक्स्ट पेज में यहाँ पे आपका सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स जो भी लगेगा, तो नेक्स्ट वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे अलग से कौन सा डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए। तो ऐसे पासपोर्ट चाहिए, फिर यहाँ पे आईटिनरी जो है,
ट्रैवल टिकट कंफर्मेशन, आपका जो सोशल प्रोफेशनल सिचुएशन, आपका एम्प्लॉई एम्प्लॉयमेंट प्रूफ, ये सब देना पड़ता है, फिर फंड्स, ये सब. तो ये यहाँ ये डिस्कस करेंगे नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो में, अभी के लिए इसको कंटिन्यू करते हैं. तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला, ठीक है. ये वाला जो वीजा है, ये आपका वीजा एप्लीकेशन नंबर है. तो ये नंबर जनरेट हो गया, ये नंबर बहुत इंपॉर्टेंट. आप जब आपका VFS से एप्लीकेशन, जो आपका VFS से आपका अपॉइंटमेंट है वो बुक करोगे, तो ये वाला आपको चाहिए होगा. तो ये वाला नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप लोग कहीं भी यहाँ पे सेव कर लेना ये नंबर. तो इसके करके कंटिन्यू कर देना, ठीक है. और यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है ये स्टेप, ऐड एन एप्लीकेशन. तो अगर आप आपका फैमिली मेंबर के लिए कर रहे हो, तो यहाँ पे आप ऐड एन एप्लीकेशन करके कर सकते हो. तभी के लिए कंटिन्यू करते हैं, यस कर देते हैं. तो आपको ये वाला वीजा फीस है, ठीक है, 90 यूरोज जो वीजा फी है, ये आपको देना होगा अराउंड 8372 इंडियन रुपीज. तो यहाँ पे अगर आप कंटिन्यू करेंगे, डेट ऑफ योर अपॉइंटमेंट, यू हैव टू यू विल हैव टू प्रेजेंट यूर सेल्फ विद ओरिजिनल्स. इफ एनी ऑफ दिस डॉक्यूमेंट्स आर मिसिंग, दिस मे लीड टू नॉन इश्यूएंस. तो ये वाला करना होगा. तो यहाँ पे ये वाला आएगा, तो यहाँ पे सबमिट टू द वीजा सेंटर. तो अगर आप सबमिट कर दोगे तो आपका एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगा, और वीजा फीस जो है 80 यूरोज का, तो दैट वीजा फीस यू विल हैव टू पे एट द VFS सेंटर. तो यहाँ पे नहीं देना होगा. तो सबमिट टू द वीजा सेंटर करके आपका एप्लीकेशन सबमिट होगा, और एप्लीकेशन का एक PDF जनरेट हो जाएगा. तो वो PDF आपको प्रिंट आउट करना होगा. तो वही है आपका वीजा एप्लीकेशन फॉर्म, और जो डिटेल्स आपने फिलअप किया है, वो सभी डिटेल्स आपका वीजा एप्लीकेशन फॉर्म में आ जाएगा. तो रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होने के बाद आपका वीजा एप्लीकेशन जो है, जो पहले यहाँ पे दिखाया था कुछ देर पहले, तो ये वाला वीजा एप्लीकेशन होगा, और आपका एक मेल भी आएगा. तो मेल आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होने के बाद, मतलब आप वीजा का एप्लीकेशन सबमिट होने के बाद, रहा आपको एक ऐसा मेल आए, और यहाँ से आप लोग भी वीजा एप्लीकेशन फॉर्म प्रिंट कर सकते हो. कि आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो डिटेल्स आपने फिलअप किया है, वही सब डिटेल्स है, सिर्फ आपको वहाँ पे फोटो चिपकाना होगा. यहाँ पे यहाँ से आप लोग कर सकते, ये वाला डाउनलोड कर सकते हो वीजा एप्लीकेशन फॉर्म. ये वाला मोस्ट इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, वाला होगा वीजा एप्लीकेशन फॉर्म. तो आफ्टर दैट नेक्स्ट स्टेप इज वेरी इंपॉर्टेंट. द नेक्स्ट स्टेप इज यू हैव टू अप्लाई फॉर द, यू हैव टू बुक द अपॉइंटमेंट एट द VFS सेंटर. तो हमने, हमारा लोकेशन था कोलकाता, तो हमने कोलकाता VFS सेंटर में जाके फ्रांस के लिए बुकिंग किया था, अपॉइंटमेंट लिया था. तो आप लोग भी कर सकते हो सिमिलर वे में. मैं दिखाता हूँ कैसे आप लोग कर सकते हो. तो यहाँ पे आप लोग गूगल में जाके, आप लोग यहाँ पे गूगल में सर्च कर सकते हो VFS फ्रांस बुक अपॉइंटमेंट. तो यहाँ पे ये वाला व्यापार जो वेबसाइट है, ये वाला, यहाँ से आपको जाना होगा VFS ग्लोबल. आफ्टर दैट आपने वीसा एप्लीकेशन फॉर्म ऑलरेडी फिल्ड अप कर लिए, वी हैव ऑलरेडी फिल्ड द वीसा एप्लीकेशन फॉर्म. यहाँ पे व्यू मोड कर देना, और यहाँ पे आई एक्सेप्ट बुक एन अपॉइंटमेंट नाउ इन इंडिया. तो आपका नेक्स्ट स्टेप है टू बुक एन अपॉइंटमेंट फॉर द वीसा. यहाँ पे आपका वीसा एप्लीकेशन फॉर्म, जो डॉक्यूमेंट्स है, आप सब डॉक्यूमेंट VFS को सबमिट कर दो. तो यहाँ पे बता देता हूँ VFS क्या है. VFS एक फैसिलिटेटर है, थर्ड पार्टी है, जो आप और एम्बेसी के बीच में जो कम्युनिकेशन है, वो कम्युनिकेशन फैसिलिटेट करता है. ये VFS है. तो VFS का फुल फॉर्म है वीसा फैसिलिटेशन सर्विस. तो VFS के थ्रू आपको वीसा अप्लाई करना होता है. जो शेंजन वीसा का सभी जो शेंजन कंट्रीज है, सबका वीसा VFS के थ्रू ही यहाँ पे VFS के थ्रू ही प्रोसेस होता है. तो आप जो भी एप्लीकेशन हो, VFS ऑफिस में जाके VFS के जो लोग हैं, उन लोगों को सबमिट करना होगा. आफ्टर सबमिटिंग द एप्लीकेशन, VFS के लोग कंसलेट में, फ्रांस का जो कंसलेट है कोलकाता या मुंबई, जहाँ पे भी हो, तो वहाँ पे नियरेस्ट जो कंसलेट है, वो कंसलेट जनरल को आपका एप्लीकेशन भेजेगा, और एप्लीकेशन प्रोसेस कर देगा. आपका जो कंसलेट है, वो कंसलेट एप्लीकेशन प्रोसेस करके फिर वो VFS को भेज देगा, जो भी रिजल्ट है आपका पासपोर्ट सब भेज देगा. कि VFS में जाके आपका पासपोर्ट भी सबमिट करना होगा अलॉन्ग विद अदर डॉक्यूमेंट्स, और पासपोर्ट में आपका स्टिकर वीसा स्टैम्प हो जाएगा. तो बेसिकली यही प्रोसेस है, और VFS के थ्रू ही सब होता है. तो यहाँ पे अब वीडियो में वापस आते हैं स्क्रीन में.
तो यहाँ पे आई एक्सेप्ट बुक एन अपॉइंटमेंट नाउ इन इंडिया, यहाँ पे क्लिक करना। यहाँ पे आपको क्या करना है कि आई डोंट हैव एन अकाउंट, यहाँ पे क्लिक करना होगा। तो यहाँ पे भी आपको सिमिलरली एक अकाउंट क्रिएट करना होगा आपका डिटेल्स देकर। तो आफ्टर क्रिएटिंग एन अकाउंट ओनली यू कैन बुक एन अपॉइंटमेंट। तो यहाँ पे आपका ईमेल आईडी देना होगा, आपका पासवर्ड कंफर्म करके, आपका मोबाइल नंबर भी देना होगा, फिर ये सब टिक मार्क कर सक करके फिर यहाँ पे रजिस्टर करना। तो मैं ऑलरेडी एक डमी अकाउंट रजिस्टर कर चुका हूँ। तो रजिस्टर करने के बाद आपका डैशबोर्ड ऐसे दिखाएगा, ये वाला आपका डैशबोर्ड होगा। तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है स्टार्ट न्यू बुकिंग पे। तो यहाँ पे आपको ये वाला स्क्रीन आएगा, आफ्टर क्लिकिंग ऑन स्टार्ट न्यू बुकिंग। तो यहाँ पे चूज वीसा एप्लीकेशन सेंटर, जो जो मेरा कोलकाता में जो मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ, सिलेक्ट एन अपॉइंटमेंट, ये डिफॉल्ट आ जाएगा सब कैटेगरी। तो यहाँ पे आपका वीजा का टाइप क्या है, तो टूरिस्ट वीजा का वीडियो है मेरे लिंक पे, तो यहाँ पे टूरिस्ट, मैं यहाँ पे टूरिस्ट कर देता हूँ। बट इट डिपेंड्स ऑन कैसा है। तो यहाँ पे दिखा रहा है वी आर सॉरी बट नो अपॉइंटमेंट स्लॉट्स आर करेंटली अवेलेबल, प्लीज ट्राई अगेन लेट। ठीक है, तो यहाँ पे जो डिटेल्स यहाँ पे जो है, तो यहाँ पे आपको करना होगा, यहाँ पे कंटिन्यू करना होगा। तो अभी स्लॉट्स नहीं है, बट जब भी स्लॉट्स अवेलेबल होगा तो यहाँ पे स्लॉट्स विजिबल दिखाई देगा। तो कोलकाता का स्लॉट अवेलेबल नहीं था, तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे दिल्ली सिलेक्ट किया। तो ये वाला कभी कभी होता है कि स्लॉट्स अवेलेबल नहीं होता, तो यहाँ पे स्लॉट्स मैंने ये वाला फ्रांस वीसा एप्लीकेशन न्यू दिल्ली सिलेक्ट किया। न्यू दिल्ली का स्लॉट है, अर्लीस्ट अवेलेबल स्लॉट फॉर वन एप्लीकेंट। अगर आप वन एप्लीकेंट हो तो 24 सितंबर आपका अर्लीस्ट स्लॉट है। अगर आपका दो तीन या चार एप्लीकेंट है, आपका फैमिली आपके साथ, आपके वाइफ, आपका किड्स जो भी है, आपके फैमिली मेंबर्स का तीन लोग है, तो तीन चार या पांच लोग है, तो 26 को अपॉइंटमेंट है। तो यहाँ पे हम कंटिन्यू करते हैं। तो ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका जो एप्लीकेशन था, जो वीसा एप्लीकेशन हमने अपने सबमिट किया, पहले भी हमने बताया था कि वो एप्लीकेशन में एक वीसा रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, वो नंबर यहाँ पे पेस्ट करना होगा। तो आपका वीसा एप्लीकेशन ये वाला था, तो यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर एकदम लास्ट में होता है, ये वाला है आपका वीसा एप्लीकेशन नंबर। तो ये वाला कॉपी करके, ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, ये देखना है। इफ यू डोंट एंटर दिस करेक्टली आप वीसा अपॉइंटमेंट बुक नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पे ये वाला कॉपी करना, कॉपी करके आपको यहाँ पे पेस्ट करना होगा। ठीक है, अगर आपका ये वाला कॉपी करना करके पेस्ट करना होगा, ठीक है, ये वाला वीसा एप्लीकेशन। फिर आप उसके बाद यहाँ पे आपको आपका नाम देना, जो आप ना यहाँ पे जेंडर सिलेक्ट करना होगा। तो यहाँ पे दोनों जगह, यहाँ पे और वीसा एप्लीकेशन फॉर्म में जो कोई डिस्क्रिपेंसी होना नहीं चाहिए, सब डिटेल्स सिमिलर होना चाहिए। तो यहाँ पे नेशनलिटी आप इंडिया दे दो। आपका पासपोर्ट नंबर यहाँ पे देना होगा, पासपोर्ट की एक्सपायरी डेट देना, और पासपोर्ट की एक्सपायरी डेट भी आपको देना होगा यहाँ पे। ये भी डिटेल्स आप एप्लीकेशन फॉर्म और आपके पासपोर्ट से मिल जाएगा। After that you have to give your contact number, India का +91 है, ये अपना contact number देना, email address देना होगा यहाँ पे। आपका address यहाँ पे बहुत important है, क्योंकि आपका अगर आपने choose किया कि आपका passport courier के through आएगा, तो address यहाँ पे correct देना, state के नाम देना यहाँ पे, वेस्ट बंगाल मेरा state, और वो सिटी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कोई स्पेस नहीं होगा वेस्ट बंगाल, और पोस्ट कोड दे रहे हैं, और यहाँ पे आप पोस्ट कोड भी दे, फिर सेव कर दें। तो यहाँ पे आप ऐड अनदर एप्लीकेंट कर सकते हो, अगर आप आपका फैमिली मेंबर के लिए कर रहे हो, तो यहाँ पे एप्लीकेंट टू करके कर सकते हो। ये अगर आपका कोई डिपेंडेंट है, वो सिमिलर वहाँ पे डिटेल्स देके आपको फिलअप करना होगा। ठीक है, तो अभी आपको वीएफएस फीस भी देना होगा। तो वीएफएस ये जो आपका कुरियर एम्बेसी को सबमिट कर दे, फिर आपका प्रोसेस होने के बाद आपको फिर रिटर्न करेगा, ये सब वो फ्री में नहीं करेगा, ये वीएफएस का एक फीस है। तो 2407 इज द वीएफएस फीस।
अपार्ट फ्रॉम दैट आपको वीजा फीस देना होगा, जो एम्बेसी को कंसुलेट को देना पड़ता है, वो है अराउंड 80 यूरो से 8,000 रुपये, अराउंड है 8,000 या 7,000 रुपये, तो वो भी आपको VFS सेंटर में जाके देना होगा। बट 2047 ये जो है VFS को ये पेमेंट करना होगा अपॉइंटमेंट बुकिंग के टाइम पे। तो जैसे हम बता रहे थे एड अनदर एप्लीकेंट, तो आपका वाइफ या आपका जो भी फैमिली मेंबर है उन लोगों का अकाउंट यहाँ पे अनदर एप्लीकेंट करके ऐड कर सकते हो। सेपरेट अकाउंट जरूरत नहीं है, एक ही अकाउंट के अंदर ये एड अनदर एप्लीकेंट करके जो वीसा का नंबर, जो वीसा एप्लीकेशन का नंबर है, तो अलग अलग नंबर होगा अलग अलग फैमिली मेंबर्स का, वहाँ पे मैंने बताया था, तो वो वाला देके आप एड अनदर एप्लीकेंट करके यहाँ पे कर सकते हो। तो अभी कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पे एक वन टाइम पासवर्ड आपका जनरेट होगा, तो यहाँ पे मैं जनरेट OTP करता हूँ। ये वेरीफाई कर देता हूँ, ये वेरीफाई हो गया, ठीक है। अब आफ्टर वेरिफिकेशन यू हैव टू क्लिक ऑन कंटिन्यू। यहाँ पे आपको स्लॉट्स कराए, तो यहाँ पे ब्यूटीफुल है, यहाँ पे 24 को, 26 को, तो 26 को मैं 27 को ये वाला स्लॉट सिलेक्ट करता हूँ। तो ये वाला स्लॉट सिलेक्ट करने के बाद आपको टाइम भी सिलेक्ट करना होगा, तो 11:15, 11:45 ये सब टाइम है, तो मैं 11:15 सिलेक्ट करता हूँ। यहाँ पे कंटिन्यू करना होगा। तो यहाँ पे एक प्रीमियम लाउंज है, तो ये एकदम ज़रूरत नहीं है। लाउंज सर्विस जैसे आपका एयरपोर्ट में होता है, उन लोगों का एक अलग सा रूम होगा, वहाँ पे आपको कॉफ़ी देगा और एक दो बंदा रहेगा, वो आपका अगर आपका जेरोक्स लगता है या कुछ भी लगता है तो वो करवा देते हैं। बट 3,700 रुपीज़ इज़ नॉट वर्थ इट, इसका एकदम बिल्कुल ही ज़रूरत नहीं है। और ये कुरियर है, अगर आप कुरियर लेना चाहते हो, अगर इफ़ यू वांट, आपका पासपोर्ट जो है वो VFS में सबमिट करोगे अपॉइंटमेंट के टाइम पे, और पासपोर्ट में वीसा स्टैम्प अगर लगता है, वीसा अगर एक्सेप्ट हो जाता है, तो वो दो ऑप्शन है आपके पास। एक ऑप्शन है आपको वो पासपोर्ट कंसलेट VFS को रिटर्न कर देगा और VFS आपको कुरियर कर देगा आपका होम एड्रेस में, ये एक ऑप्शन है। और सेकंड ऑप्शन है आप खुद पिकअप कर सकते हो VFS ऑफिस से। तो हमने कुरियर नहीं किया था, हमने पिकअप किया था, तो अगर आप कुरियर करना चाहते हैं तो ये वाला ऐड कर देना, ये वाला कुरियर सर्विस, ये एश्योर्ड कुरियर, ये वाला कुछ नहीं होता, ये नॉर्मल कुरियर ही कर देना, कुछ इशू नहीं होता यहाँ पे। तो हमने पिकअप किया था VFS ऑफिस से ही, तो हमने ये वाला नहीं लिया था। बट अगर आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, आप नहीं जा सकते हो सेकेंड टाइम कलेक्ट करने आपका पासपोर्ट, तो आप यहाँ पे कुरियर कर सकते हो। बट अपॉइंटमेंट के लिए तो आपको जाना ही होगा जहाँ पे आप पासपोर्ट और डॉक्यूमेंट सबमिट करोगे। तो यहाँ पे मैं कंटिन्यू करता हूँ। तो ये वाला सब डिटेल्स है, और यहाँ पे एक और डॉक्यूमेंट लगता है कि इन ट्रैवल इंश्योरेंस। तो यहाँ पे आप इन लोगों के साथ, आप लोग इन लोगों के पास भी ट्रैवल इंश्योरेंस का ऑप्शन है, अगर आप चाहो तो इन लोगों के साथ, मतलब इन लोगों से ले सकते हो आपका ट्रैवल इंश्योरेंस। बट ये मैं रिकमेंड नहीं करता, आप अलग से बाहर से भी ले सकते हो, फोन पे या मेक माई ट्रिप कहीं से भी आप लोग इंश्योरेंस ले सकते हो, अभी के लिए ये ज़रूरत नहीं है, बाहर से भी आप ले सकते हो यहाँ पे, ठीक है। मैं यहाँ पे कंट्री ऑफ एंट्री स्टार्ट ट्रैवल असिस्टेंस विद इंश्योरेंस, ये तो मुझे नहीं चाहिए, मुझे कोड भी नहीं चाहिए, मैं कंटिन्यू करता हूँ। तो ये वाला मेरा वीसा फीस है। तो अभी प्रोसेस है कि यस करके, यहाँ पे यस करके आप पे ऑनलाइन पे जाओगे, तो ये कंटिन्यू करोगे, तो ये पेमेंट पेज पे आप आ जाओगे। तो यहाँ पे आप क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड से अपना पेमेंट इजीली कर सकते हो, ठीक है। तो यही प्रोसेस है मेनली। आफ्टर दैट आपका अपॉइंटमेंट हो जाएगा, अपॉइंटमेंट हो जाने के बाद आपको एक मेल आएगा कि अपॉइंटमेंट सक्सेसफुल है। तो अभी ओनली आफ्टर पेइंग का अपॉइंटमेंट कंफर्म होता है, तो यहाँ पे तो मैं वो दिखा नहीं सकता, बट प्रोसेस एकदम सिंपल है। आप यहाँ पे सिलेक्ट करके अपना डिटेल्स, कार्ड डिटेल्स यहाँ पे क्लिक करके पे नाउ करके आप कर देना, और आपका अपॉइंटमेंट हो जाएगा, और अपॉइंटमेंट हो जाएगा। तो अभी नेक्स्ट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि डिस्कस करते हैं, आप VFS में आपका वीसा एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप हो गया, आपका VFS में अपॉइंटमेंट हो गया, आप VFS में जाओगे, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लेके जाओगे, ये डिस्कस करते हैं। अभी डिस्कस करते हैं कि कौन कौन सा डॉक्यूमेंट आपको चाहिए शेंजन वीसा के लिए। यही सबसे कम्बरसम और सबसे ज़्यादा एफर्ट लगता है डॉक्यूमेंट्स ठीक से अरेंज करने में, इसका थोड़ा बहुत ही टाइम लगता है। तो बिफोर यू नो फिलिंग अप द वीसा एप्लीकेशन फॉर्म और वीसा अपॉइंटमेंट, आपको ये सभी डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पे आपको गैदर करना होगा, आपको ये सब डॉक्यूमेंट्स रेडी करना होगा। आफ्टर दैट ओनली यू कैन अप्लाई फॉर द वीसा।
तो जो जो प्रोसेस अभी हमने डिस्कस किया था वो प्रोसेस से पहले ये सब डॉक्यूमेंट्स आपको रेडी करना होगा। तो फर्स्ट इज द वीसा एप्लीकेशन फॉर्म। ये तो आप वीसा एप्लीकेशन फॉर्म अभी हमने डिस्कस किया, ये वाला है वीसा एप्लीकेशन फॉर्म। तो जो जो आपके ऑनलाइन फॉर्म सबमिट किए थे वो आफ्टर सबमिटिंग आपको ऐसा एक पीडीएफ आएगा, ये आपको प्रिंट करना होगा। ये फर्स्ट ये है वीसा एप्लीकेशन फॉर्म, ये डॉक्यूमेंट आपको वीएफएस में लेके जाना होगा। आफ्टर दैट पासपोर्ट, तो पासपोर्ट एटलीस्ट 3 मंथ्स, जब आप डिपर्चर कर रहे हो आफ्टर दैट 3 मंथ्स तक आपका पासपोर्ट वैलिड होना चाहिए, और उसमें मस्ट टू ब्लैंक पेजेस भी होना चाहिए, ठीक है। और अगर आपका कोई पुराना पासपोर्ट है वो भी आप लेके जाना ज़रूर, और आपका कोई प्रीवियस वीज़ा है तो उस वीज़ा का भी कॉपी एक जेरोक्स करके लेना। तो ये इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। फोटोग्राफ, फोटोग्राफ का जो रिक्वायरमेंट है आपका 80% फेस होगा फोटोग्राफ में, और 35-45 ये पासपोर्ट का डायमेंशंस होता है। आप एक किसी भी फोटोग्राफ जो शॉप से ना फोटो फोटोग्राफी होता है वो शॉप में जाके आप बताना कि शेंजन वीज़ा के लिए आपको फोटो फोटो लेना है, तो वो बता देगा वो लोग। कवर लेटर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कवर लेटर एक्सप्लेनिंग द पर्पस ऑफ योर स्टे आइटिनरी एंड डिटेल्स ऑफ द अकोमोडेशन। तो एक कवर लेटर होता है कि एक लेटर होता है, वहाँ पे आपको डिटेल्स देना है कि आप क्यों ट्रैवल कर रहे हो, व्हाट इज द पर्पस ऑफ योर स्टे, ये सब डिटेल्स देना चाहिए। जैसे मैंने दिया था कि आई एम पैशनेट अबाउट ट्रैवलिंग, तो वहाँ पे ये सब मेंशन कर सकते हो आप। अगर इफ़ यू हैव ट्रैवल टू फॉरेन कंट्रीज, इफ़ यू हैव अ ट्रैवल हिस्ट्री, तो जो जो कंट्रीज आप ट्रैवल किए हो उन लोग उनका डेट्स वो डिटेल्स भी देना। आफ्टर दैट आप क्या करते हो, आपका प्रोफेशन क्या है वो भी इंक्लूड करना, तो ये सब डिटेल्स चाहिए मेनली। तो यहाँ पे कवर लेटर, एग्जाम्पल कवर लेटर मैं दिखाता हूँ। तो कवर लेटर में मेनली यहाँ पे इट वुड बी एड्रेस्ड टू द कॉन्सुलेट जनरल ऑफ, मेरा कलकत्ता था तो मैंने दिया था कॉन्सुलेट जनरल ऑफ फ्रांस इन कलकत्ता, और यहाँ पे वो एम्बेसी का डिटेल्स आप लिख सकते हो एड्रेस। फॉर यहाँ पे नेक्स्ट आप लिखना कि आपका ट्रैवल ड्यूरेशन और नंबर ऑफ डेज यू आर ट्रैवलिंग, वो सब डिटेल्स देना। फिर आप लिखना कि वाई यू आर पैशनेट अबाउट ट्रैवलिंग। नेक्स्ट आप लोग आप डिटेल्स देना कि आप लोग अगर आपका प्रीवियस एक्सपीरियंस है ट्रैवल का, आप लोग अगर पहले भी घूमे हो, जैसे हम लोग पहले दुबई और थाईलैंड घूमे थे तो हमने दिया था कि वी प्रीवियसली ऑल्सो वी विजिटेड दीज कंट्रीज एंड वी आर पैशनेट अबाउट ट्रैवलिंग। आफ्टर दैट आप कहाँ पे एम्प्लॉयड हो, आप क्या करते हो वो भी देना। एंड नेक्स्ट आपका एक डिटेल्ड आइटिनरी देना वहाँ पे डे वाइज, जैसे यहाँ पे इन लोगों ने भी सही से दिया है डे वाइज वो लोग कहाँ ट्रैवल कर रहे हैं, तो ये सब डिटेल्स भी चाहिए। एंड नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आपको देना होगा यहाँ पे कौन कौन सा डॉक्यूमेंट आप सबमिट कर रहे हो, सब डिटेल्स, ठीक है। ये सब डिटेल्स जो जो आपका वीसा एप्लीकेशन फॉर्म, पासपोर्ट, ये सब डिटेल्स आपको चाहिए होगा, ठीक है। ये सब डिटेल्स आप इंक्लूड कर देना कि ये डिटेल्स मैंने सबमिट किया था, फिर आप यहाँ पे बेस्ट रिगार्ड्स देके। तो ऐसा एक सैम्पल कवर लेटर है, आपको कवर लेटर अगर चाहिए तो आप अपना ईमेल आईडी यहाँ पे कमेंट करना, तो हम लोग शेयर कर देंगे एक सैम्पल कवर लेटर जो हमने यूज़ किया था, जो टेम्पलेट है वो आप लोगों के साथ शेयर कर देंगे। तो कवर लेटर के बाद अभी आता है ट्रैवल आइटिनरी। तो ट्रैवल आइटिनरी आप कर सकते हो कि आप कवर लेटर में भी इंक्लूड कर सकते हो, सेपरेटली एक और डॉक्यूमेंट में आप आइटिनरी डाल सकते हो। और यहाँ पे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है कि फ्लाइट रिजर्वेशन, आपको रिटर्न टिकट चाहिए, राउंड ट्रिप का टिकट है वो अगर होगा तो दैट वुड बी द बेस्ट। और अगर आप कोई भी जहाँ पे आप टिकट खरीदे हो, कोई भी आप टूरिस्ट अट्रैक्शन में जा रहे हो, वो सब डिटेल्स भी आप उन सब टिकट्स के एक कॉपी भी आप लोग शेयर कर सकते हो। अगर आपने फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू प्लान टू ट्रैवल इन यूरोडेल, तो यूरोडेल के पास अगर आपने खरीदे हो तो वो भी आप लोग यहाँ पे शेयर कर सकते हो, बट वो मैंडेटरी नहीं है। बट अगर फ्लाइट रिजर्वेशन ये आपका एप्लीकेशन स्ट्रेंथन करता है, तो अगर आपने फ्लाइट रिजर्वेशन किया हो तो फ्लाइट रिजर्वेशन और टिकट भी सबमिट कर देना। ये थोड़ा मतलब वो लोग चाहते हैं कि आपका रिटर्न टिकट हो, तो ये इंपॉर्टेंट है। और कुछ कुछ डमी साइट से वहाँ से भी आप बुक कर सकते हो, बट हमारा रिकमेंडेशन है आप एक रिफंडेबल, फुली रिफंडेबल टिकट पहले बुक कर लो, फिर अगर आपका वीज़ा कहीं मतलब अनफॉर्चुनेटली अगर रिजेक्ट हो जाता है तो आप लोग को रिफंड भी मिल जाएगा, बट जनरली नहीं होता है। अगर आप सही से सब प्रोसेस फॉलो कर रहे हो तो वीज़ा रिजेक्शन के चांसेस बहुत कम होते हैं। तो नेक्स्ट इज द प्रूफ ऑफ एकोमोडेशन, यहाँ पे आपका होटल रिजर्वेशन का जो भी है तो वो वाला आपको सबमिट करना होगा, होटल बुकिंग्स। फिर आपका ट्रैवल इंश्योरेंस है, ये ट्रैवल इंश्योरेंस आप मेक माई ट्रिप में जाके ट्रैवल इंश्योरेंस कर सकते हो, तो बहुत ही इजी प्रोसेस है। यहाँ पे आप मेक माई ट्रिप में जाओ, वहाँ पे एक ऑप्शन है ट्रैवल इंश्योरेंस, तो वहाँ पे बुक करना। वहाँ पे मिनिमम 30,000 यूरोस का कवरेज होना चाहिए, ये देखना।
30,000 या 50,000 हो तो बेस्ट होगा, तो 50,000 तो हमने लिया था, 50,000 यूरोस का ट्रैवल इंश्योरेंस, इट एंड इट कॉस्टेड अराउंड मतलब 1,100 रुपये, अराउंड 1,100 रुपीज, तो एज आई मतलब ज़्यादा नहीं है प्रीमियम, बट ये वाला देखना 30,000 या इट इज़ बेस्ट अगर 40,000 50,000 हो तो. नेक्स्ट इज प्रूफ ऑफ फाइनेंशियल मीन्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रिसेंट लास्ट 6 मंथ्स का आपका बैंक स्टेटमेंट में शोइंग सफिशियंट फंड्स. तो अगर आप दो लोग जा रहे हो तो ये रिकमेंडेशन है, ये ज़्यादातर किसी भी वीडियो में आपको नहीं मिलेगा, बट अगर आपका फंड या 4 लाख या 5 लाख है कंसिस्टेंटली ओवर द लास्ट 3 to 6 मंथ्स, दैट विल मतलब 99% आपको मिल जाएगा वीज़ा. अगर आपके पास बहुत ही मतलब 1 लाख से नीचे है आपका बैलेंस तो थोड़ा मतलब मुश्किल होगा, क्योंकि उन लोगों के पास डाउट्स होगा कि आप कैसे आपका ट्रिप ट्रिप मैनेज करोगे. तो ये रिकमेंडेशन है कि आप लोग 4 लाख या 3 लाख या 4 लाख रुपया कंसिस्टेंटली रखो अपना बैंक अकाउंट में. नेक्स्ट इज प्रूफ ऑफ इनकम आपका, अगर आप योर सैलरी तो आपको जो देना पड़ेगा आपका लास्ट 6 मंथ्स का सैलरी स्लिप आपको देना पड़ेगा, और फिर अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो, अगर आपके पास बिजनेस है तो कंपनी रजिस्ट्रेशन और लास्ट 3 ईयर्स का इनकम टैक्स रिटर्न वो देना पड़ेगा, और अगर आप एम्प्लॉयड हो आपको भी फॉर्म 16 या लास्ट 3 ईयर्स का इनकम टैक्स रिटर्न जो आप फाइल करें वो देना पड़ेगा, दैट इज इम्पॉर्टेंट. एंड नेक्स्ट इज द प्रूफ ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नो ऑब्जेक्शन लेटर, और ये लीव अप्रूवल, आपके लीव अप्रूवल लेटर होना चाहिए, लीव अप्रूवल में लिखा होना चाहिए कि आप द कंपनी हैज नो ऑब्जेक्शन दैट यू आर ट्रैवलिंग अब्रॉड, और आप रिटर्न करोगे इस डेट पे और आप रिज्यूम करोगे सर्विस. तो अगर आपको चाहिए आप मेल करना, आप कमेंट करना अपना मेल आईडी, तो एक मेरे पास फॉर्मेट टेम्पलेट है जो हमने यूज किया था, आप लोगों को शेयर कर देंगे. नेक्स्ट इज प्रूफ ऑफ सिविल स्टेटस, अगर आप मैरिड हो तो आपका मैरिज सर्टिफिकेट, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है. नेक्स्ट इज वीसा पेमेंट ऑफ वीसा फीस, तो ये वाला वीसा फीस तो आप वहाँ पे देके वो रिसीट यहाँ पे मतलब आप रिसीट सबमिट करोगे VFS में, तो उन लोगों के पास रिसीट होगा वो दे देगा. और बायोमेट्रिक्स, ये बायोमेट्रिक्स आपका फिंगरप्रिंट, ये VFS ऑफिस में आफ्टर वीसा एप्लीकेशन ये सब सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करने के बाद आपका जो प्रिंट आउट आपका फिंगरप्रिंट जो है वो भी ये लोग फिंगरप्रिंट लेंगे. अगर आप सेकेंड टाइम अप्लाई कर रहे हो तो ये स्टेप जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी फिंगरप्रिंट्स है. लास्ट 5 ईयर्स में अगर आपने बायोमेट्रिक किए हो तो वो नहीं चाहिए, बट अगर आप फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हो तो आपको फिंगरप्रिंट्स बायोमेट्रिक्स भी करवाना होगा. तो मेनली यही डॉक्यूमेंट है. लास्टली जो डॉक्यूमेंट लगता है, जो फैमिली मेम्बर आपका जो डिपेंडेंट है उनके लिए एक स्पॉन्सरशिप लेटर लगता है, तो स्पॉन्सरशिप लेटर थोड़ा डिस्कस करेंगे. ये एक स्पॉन्सरशिप लेटर है, फॉर एग्जांपल यू आर स्पॉन्सरिंग द ट्रिप ऑफ योर चाइल्ड, तो यहाँ पे लिखना होगा कि आई विल बी कवरिंग ऑल द स्पॉन्सर एक्सपेंसेस ऑफ माय आपका चाइल्ड का फुल नेम यहाँ पे देना होगा ये सब. और नेक्स्ट आपका जो डिटेल्स है पर्सनल एंड फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन वो भी आपको देना होगा, ठीक है. आई वर्क फॉर दिस कंपनी, अगर आप ABC कंपनी में काम कर रहे हो तो आपको वो लिखना पड़ेगा, ये पोजीशन में काम कर रहे हो, मेरा मंथली इनकम इतना है. फिर आपको आपका बैंक स्टेटमेंट, आपका प्रूफ ऑफ एम्प्लॉयमेंट जो है, आपका अगर सैलरी स्लिप है वो आप सबमिट कर सकते हो, और आपका कॉपी ऑफ पासपोर्ट ये लगेगा. फिर आपका कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे डाल सकते हो, और नेक्स्ट में आप लोग डाल सकते हैं थैंक यू फॉर कंसीडरिंग दिस. तो ये एक बेसिक फॉर्मेट है स्पॉन्सरशिप लेटर का, ये भी आपको चाहिए होगा तो एक बार आप कमेंट करना तो हम लोग भेज देंगे ये वाला. और यहाँ पे ऐसा लेटर होगा, सब्जेक्ट होगा स्पॉन्सरशिप लेटर, और यहाँ पे आपका नाम होगा, और यहाँ पे इट वुड बी एड्रेस टू द वीसा ऑफिसर. एंड दिस इज इम्पॉर्टेंट, ये डॉक्यूमेंट जो आप अगर किसी आपका जो जो डिपेंडेंट्स है सबके पास ये वाला लेटर होना चाहिए. तो अगर आपके आपके दो डिपेंडेंट्स है, फॉर एग्जांपल अगर आपके वाइफ और आपके चाइल्ड है, एक वाइफ और चाइल्ड, और दोनों का ट्रिप अगर आप स्पॉन्सर कर रहे हो तो ये डॉक्यूमेंट मैंडेटरी है, और इनके साथ आपका जो फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट है दैट शुड गो, जो जो डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे इनक्लोज्ड है. तो आशा करता हूँ आप लोगों को सब समझ आ गए. हम लोग बहुत डिटेल्ड में सारे वीसा एप्लीकेशन आप कैसे फिलअप करोगे, फिर VFS अपॉइंटमेंट कैसे बुक करोगे, आपका डिपेंडेंस फैमिली मेंबर्स का डॉक्यूमेंट्स कौन सा रहेगा, तो बहुत ही डिटेल में हम लोग सब एक्सप्लेन कर दिए. तो अगर आप लोग ये सारे स्टेप्स फॉलो करते हो तो बहुत ही ईजिली आपको वीसा आप लोग खुद से अप्लाई कर पाओगे विदाउट द हेल्प ऑफ अ वीसा एजेंट, और आपका वीसा एक्सेप्ट होने का प्रोबेबिलिटी भी बहुत ही बढ़ जाएगा. तो लास्ट में हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि कब, व्हाट इज द आइडियल टाइम टू अप्लाई फॉर द वीसा. तो अगर आपका डे ऑफ ट्रैवल
जो भी है उससे 2 महीने या 1.5 महीने पहले अगर आप अप्लाई करोगे तो बहुत इजीली आप पूरा ट्रिप सब कुछ प्लान कर पाओगे और आपके पास बहुत टाइम होगा पूरा अच्छे से प्लानिंग करने में। तो यही सजेशन है कि 2 महीने पहले से आप लोग सारे डॉक्यूमेंट्स गैदर करके वीज़ा अप्लाई कर दो, फिर इजीली आपको हो जाएगा, 1 महीने के अंदर हो जाएगा। मतलब ज़्यादातर 2 वीक्स लगता है अगर बहुत ज़्यादा रश होता है समर के टाइम। एंड नेक्स्ट इज़ कुछ रिकमेंडेशन हम देंगे जो विद द हेल्प ऑफ विच आपका वीज़ा अप्रूव होने का चांस बढ़ जाता है। फर्स्टली कि कोई भी गलत इंफॉर्मेशन आप वीज़ा एप्लीकेशन में मत डालो, जो 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 ही जो भी इंफॉर्मेशन सही है ट्रू जो भी इंफॉर्मेशन ट्रू है वही इंफॉर्मेशन आप डालो, क्योंकि अगर एक भी गलत इंफॉर्मेशन आप डाल दिए आपका वीज़ा रिजेक्ट हो सकता है और आप ब्लैकलिस्ट भी हो सकते हो। तो ये वाला ध्यान रखना। एंड सेकेंडली आपका बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है कि आपका कवर लेटर, तो कवर लेटर में आप क्लियरली मैंशन करना कि आप पैशनेट हो ट्रैवलिंग के लिए, आप पहले भी ट्रैवल किए हो, अगर आप नहीं किए हो आप दिखाना कि ये एरियाज में ट्रैवल करना चाहता हूँ, ये मेरा ड्रीम है, तो आपका पैशन वो दिखना चाहिए, तो उन लोगों को कंसलेट को लगे कि आपका एप्लीकेशन जेन्युइन है और आप सिर्फ टूरिज्म के लिए आ रहे हो, आपका कोई और पर्पस नहीं है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्टली हमने जो फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स का डिटेल्स बताया था कितना अकाउंट होना चाहिए, अकाउंट में कितना पैसा होना चाहिए, तो ये थोड़ा देखना और कंसिस्टेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपका जो 6 मंथ्स का रिसीट सडनली आपका थोड़ा बैंक अकाउंट भर गया, तो ऐसा होना नहीं चाहिए। कंसिस्टेंटली कुछ अमाउंट होना चाहिए, जो हमने पहले भी डिस्कस किया था कि अगर दो लोग अप्लाई कर रहे हो या एक लोग अप्लाई कर रहे हो, 3 से 4 लाख अगर हो आपके बैंक अकाउंट में दैट इंक्रीजेस द चांसेस। तो ये थोड़ा ख्याल रखना। और लास्ट में आप लोग लास्ट में यही बताना चाहता हूँ कि अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक आवर वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल, और हम लोग और भी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो फ्यूचर में भी लाएंगे आपके सामने। तो अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट, प्लीज़ लाइक एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल, और अगर कोई भी आपके डाउट्स और क्वेरीज है आप लोग कमेंट करना और हम लोग ज़रूर रिस्पॉन्ड करेंगे। तो हम लोग आशा करते हैं कि आपका ट्रिप भी बहुत अच्छा हो, तो हम लोग वी विश एवरी वन ऑफ यू अ वेरी हैप्पी जर्नी, और ये हम विश करते हैं कि आप लोगों का जो भी सपना है, जो भी ड्रीम्स है ट्रैवलिंग का, वो पूरा हो जाए। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे किसी और वीडियो में किसी और जगह, तभी के लिए बाय।